दोस्तों अगर आप बिजली बगुड़ा को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम श्रीलंका का पहला T20 मुकाबला। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो बैंक खड़े के मैदान पर श्रीलंका के कप्तान राजापक्सा ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना, जिसके चलते ईशान किशन और शुभमन गिल भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज बन गए। दोस्तों पहले ही ओवर में ईशान किशन ने एक छक्का लगा दिया और दो चौके लगा दिए और पहले ही ओवर में 16 रन आ गए भारतीय टीम की तरफ से। लेकिन उसके बाद का ओवर शांत रहा और तीसरे ओवर में आए महेश टिकसाना और इन्होंने आते ही शुभमन गिल को ये घूमती हुई गेंद रखी और ये गेंद पूरी तरीके से मिस कर बैठे शुभमन गिल और गेंद लग गई उनके पैड्स पर और एम्पायर ने LBW आउट किया। अब शुभमन गिल ने रिव्यू लेने का फैसला किया, लेकिन रिव्यू में भी गेंद सीधा स्टंप्स पर लग रही थी, जिसके चलते रिव्यू भी गया और शुभमन गिल भी आउट हुए 7 रन बनाकर। 5 गेंदों का सामना करते शुभमन गिल आउट हुए। उनके बाद आए सूर्य कुमार यादव मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। इन्होंने भी शुरुआत चौके से की, अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन एक और झटका भारतीय टीम को लगना बाकी था। 200 करुणा रत्ने की इस गेंद पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक और बार 360 शॉट लगाने के चक्कर में इस तरह से अपने बल्ले का ऐसे बैठे और पीछे गड़े राजापक्सा ने इस तरह से शानदार कैच लपक ली। बड़ी विकेट मिली श्रीलंका को। सूर्य कुमार यादव 7 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते आउट हुए। 200 रन के बाद आए संजू सैम, लेकिन ये भी याद है ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों सभी को बता दें इस तरीके से धनंजय सिल्वा की गेंद पर अपने बल्ले का ऐसे बैठे और कैच आउट हो गए संजू सैमसंग। इस तरीके से संजू सैमसंग मात्र 5 रन बनाकर खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। तीसरे विकेट गिरी भारतीय टीम की। फिर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या। दोस्तों लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या तूफानी बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन ईशान किशन ने बड़ी गलती कर दी। 200 रंगा की इस गेंद को अपने बल्ले का ऐसे बैठे हवा में खेल बैठे और बाउंड्री पर इस तरीके से राजापक्सा ने शानदार कैच लपक ली और ईशान किशन आउट हुए मात्र 37 रन बनाकर। 200 के बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने आए दीपक हुड्डा। दोस्तों के बीच में एक छोटी सी साझेदारी हो रही थी, तभी सेट होकर कप्तान हार्दिक पांड्या बाहर जाती हुई गेंद पर मधुशंका की इस तरीके से अपने बल्ले का हल्का सा एज दे बैठे और पीछे खड़े थे विकेटकीपर कुशाल पांडे, जिन्होंने इस तरीके से शानदार कैच लपकी। बड़ी विकेट मिली श्रीलंका को। कप्तान हार्दिक पांड्या 29 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते आउट हुए। 200 में इसके बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल। 200 हार्दिक पांड्या तो आउट हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की बेहतरीन वापसी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद असली शो दिखाया अक्षर पटेल और उनके साथ दीपक हुड्डा ने। दोनों की पार्टनरशिप ने मैदान पर आग लगा दी, जहां दीपक हुड्डा ने लगाए 4 लंबे छक्के और मैदान पर कर दिया धमाका। 41 रनों की पारी खेल 23 गेंदों में तो अक्षर पटेल ने भी 31 रन जड़ दिया आखिरी के 20 गेंदों में। दोनों के बीच में 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई सिर्फ 3 ओवर में, जिसके लिए भारतीय टीम को खतरनाक फिनिश मिली। 162 रन लगा दिया है भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम की तरफ से अंत में दीपक हुड्डा ने 41 रनों की बेहतरीन पारी खेली 23 गेंदों में। अब श्रीलंका को जीतने के लिए 163 रन लगाने हैं 20 ओवर में। दोस्तों अगर आप हार्दिक पांड्या को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम श्रीलंका का पहला T20 मुकाबला। आइए आपको बता रहे हैं टॉस के बारे में, मैदान के बारे में और दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मुकाबले की बात करें तो मुकाबला वैनखेड़े के स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोस्तों आप सभी को बता दें दोनों ही कप्तान आमने सामने आए टॉस के लिए, हार्दिक पांड्या और धासुन शाना का। दोनों ही कप्तानों ने पहले तो काफी ज्यादा तस्वीरें ली, लेकिन उसके बाद जब टॉस हुआ तो श्रीलंका के हक में जाकर गिरा। जी हां दोस्तों, श्रीलंका ने टॉस जीता है पहले T20 मुकाबले में और गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम की तरफ से दो बल्लेबाज डेब्यूट कर रहे हैं, दोस्तों शुभमन गिल और शिवम मावी। दोस्तों भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शुभमन गिल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसंग, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल, शिवम मावी, हार्दिक पांड्या, उमरान मलिक व युजवेंद्र चहल हैं। दोस्तों ये खतरनाक प्लेइंग 11 लेकर हार्दिक पांड्या उतरे हैं, तो वहीं धासुन शाना का कप्तान है श्रीलंका के और इनकी भी टीम एशिया कप जैसी ही है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस तूफानी मुकाबले में कौन सी बड़ी टीम विजय हासिल करती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये मुकाबला